हेलो, वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के बारे में। इससे हम लेक्चर 8 से देख रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में एसक्यूएल में, जिसमें लेक्चर 8 में हमने टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। लेक्चर 9 में हमने कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में पढ़ा, ठीक है। लेक्चर 10 में हमने वैरकर डेटा टाइप के बारे में पढ़ा। नाउ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के बारे में। तो हम जानते हैं लार्ज डेटा टाइप के दो सब पार्ट्स होते हैं। एक होता है कैर लार्ज ऑब्जेक्ट, जिसको हम CLOB बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लार्ज ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लिखे हैं LOB, ठीक है। और सेकेंड है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, जिसे हमने लिखा है BLOB, सॉरी। ओके, नाउ अब देखिए कैर लार्ज ऑब्जेक्ट क्या करता है। कैर लार्ज ऑब्जेक्ट डेफिनेशन समझिए, इट इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर अप टू 4 GB, ठीक है। ये 4 GB तक कैरेक्टर को स्टोर करता है। कैरेक्टर क्या होता है? एनीथिंग बिटवीन सिंगल इन्वर्टेड कोमा, मतलब कुछ भी हम अगर लिख दे, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो वो कैरेक्टर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ भी। तो ये ऐसा कितना स्टोर कर सकता है? अप टू 4 GB तक, मतलब कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट यानी CLOB की मैक्सिमम साइज कितनी है? 4 GB, ठीक है। नाउ इसका सिंटेक्स क्या होता है? CLOB, ठीक है, CLOB। और यहाँ पे हमें साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, जैसे हमने कैरेक्टर टाइप और वेर कैरेक्टर टाइप में हमने साइज मेंशन करी थी, यहाँ करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल हम दे सकते हैं, समझिए कोई स्टोरी लिख रहे हैं या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं। आर्टिकल में तो हम लोग जानते हैं कैरेक्टर टाइप और वेर कैरेक्टर टाइप को जब हम यूज करते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेड स्पेस है। तो क्या हम उस लिमिटेड स्पेस में, अब मैं लिमिटेड स्पेस क्यों बोल रहा हूँ, पूरा क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप कमेंट करके बताओ कि कैर डेटा टाइप और वेरके डेटा टाइप की मैक्सिमम साइज कितनी होती है, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो उस लिमिटेड स्पेस में हम कोई स्टोरी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जब हम समझिए कोई स्टोरी लिखनी हो, कोई रिपोर्ट सबमिट करना हो, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना हो, तो क्या उस लिमिटेड स्पेस में हम कर सकते? नहीं। तो उसके लिए हमें फिर CLOB डेटा को यूज करते हैं, ठीक है। नाउ अब मैं इसको और बाइनरी LOB को जब समझाऊंगा तब दोनों को एक साथ पिक्चर में क्लियर करूंगा, ठीक है। नाउ अब देखिए बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट क्या होती है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैं पिक्चर से बताऊंगा तो और जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। नाउ बाइनरी LOB, बाइनरी LOB को BLOB भी कहते हैं, और ये बाइनरी फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, 1010001 कुछ भी फॉर्म में ये डेटा को स्टोर करता है। तो कौन से डेटा को स्टोर करता है? तो ये फाइल्स के डेटा को स्टोर करता है, इमेज के डेटा को, वीडियो ऑडियो डेटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। क्यों करता है? समझिए, थोड़ा समझना यहाँ पे। जब हम ना किसी का नाम लिखते हैं, ठीक है, नाम की बात करें, क्लास की बात करें, स्टूडेंट टेबल को, अब थोड़ा देर के लिए स्टूडेंट टेबल को इमेजिन करें, ठीक है, स्टूडेंट टेबल को इमेजिन कीजिए। उसमें क्या होता है? स्टूडेंट का नाम होता है, क्लास होता है, रोल नंबर होता है, फोन नंबर होता है, मार्क्स होता है, ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अब जितने तरह का डेटा सोच सकते हैं सोचिए, ठीक है, सिवाय प्रोफाइल फोटो के अभी, ठीक है, प्रोफाइल फोटो के ये सब छोड़ दिए, इसको छोड़ के जितना सोच सकते हैं आप सोच लीजिए। तो आप जितना डेटा अभी सोचिए, ठीक है, कितने तरह का के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं स्टूडेंट टेबल्स में, तो उस एट्रीब्यूट्स में हम सिंपली क्या कर सकते हैं? कैर डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं, वैर कैर डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं, नंबर नहीं पड़ा बट नंबर, फोन नंबर जब हम यूज करेंगे तो नंबर को भी यूज कर सकते हैं, रोल नंबर यूज करेंगे तो नंबर डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको एक बात बताइए, जब मैं स्टूडेंट का प्रोफाइल फोटो अपलोड करूंगा या स्टूडेंट का कोई एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करूंगा, ठीक है, स्टूडेंट का अगर मैं एक वीडियो से इंटरव्यू लेता हूं, अगर उसको उसको मैं स्टोर करना चाहूं, और कुछ ऑडियो, कुछ MP3 अगर आप पर्सनल कुछ स्टोर करना चाहते हैं, MP3 अगर समझिए आप स्टूडेंट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, आप उससे रिलेटेड ऑडियो भी स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, वीडियो और ऑडियो दोनों, ठीक है। तो क्या जितना कैर डेटा टाइप है, वैर कैर डेटा टाइप है या नंबर डेटा टाइप है, उसमें पॉसिबल है इसको स्टोर कर पाना? जी नहीं, एकदम पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें फिर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिसमें हम बाइनरी फॉर्म में किसको स्टोर करते हैं? फाइल्स को। फाइल्स मतलब क्या? कि जो भी आपका PDF फाइल हो गया, वर्ड फाइल हो गया, जितना भी तरह का आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया वो आपका PDF फाइल में आ गया। इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, ऑडियोस MP3 हो गए, ठीक है, कोई भी फॉर्मेट में हो वो बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होगा डेटाबेस में जाकर, ठीक है। इसकी भी मैक्सिमम रेंज कितनी है? अप टू 4 GB। तो हम कह सकते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की मैक्सिमम साइज कितनी है? 4 GB, ठीक है।
इसका सिंटेक्स क्या होता है, बाइंड बी एल ओ बी लिख देंगे, सिंटेक्स ये है। लेकिन एग्जाम्पल दू, अगर सपोज कि प्रोफाइल पिक्चर को स्टोर करनी है, तो प्रोफाइल पिक स्पेस बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। चलिए अब मैं बोला था डायग्राम से बताऊंगा, तो डायग्राम देखते हैं। चलिए सपोज कीजिए किसी बंदे ने लिखा प्रोफाइल पिक, अगर स्टूडेंट का प्रोफाइल पिक अपलोड करना है, ठीक है, तो लिखे प्रोफाइल पिक बी एल ओ पी। यहाँ साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में, चाहे वो कैर लार्ज ऑब्जेक्ट हो चाहे बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट हो, हम साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं। तो ऑटोमेटिक डेटाबेस से रिक्वेस्ट करती है और वो 4 GB की स्पेस एलोकेट हो जाती है। सपोज जो हमने प्रोफाइल पिक के लिए कॉलम बना दिया, एट्रीब्यूट बना दिया स्टूडेंट टेबल में, ठीक है, लेकिन जब स्टूडेंट ने फोटो अपलोड किया तो उस फोटो की साइज 200 KB ही है, ठीक है, 200 KB है। तो सपोज कीजिए डेटाबेस ने हमें 4 GB का स्पेस दे दिया डेटाबेस में कि आप हम प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कर सकते हो, लेकिन जब स्टूडेंट ने यहाँ पे अपना प्रोफाइल फोटो अपलोड किया तो वो मात्र 200 KB की थी। तो आप कंपेयर कीजिए 4 GB का डेटा और 200 KB डेटा, जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है, कंपेयर ही नहीं कर सकते दोनों डेटा के अंतर, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा है और एक बहुत ही छोटा है, मतलब 4 GB के सामने 200 KB का डेटा कुछ नहीं है। तो सपोज कीजिए वो 200 KB का डेटा कुछ ये स्पेस ले लिया, ठीक है, कुछ इतना स्पेस वो ले लिया, बाकी जो अनयूज्ड स्पेस है अभी भी, यहां से यहां जो अनयूज्ड स्पेस है, ठीक है, वो कहां, वो डेटाबेस को रिटर्न हो जाएगी, मतलब लार्ज ऑब्जेक्ट में मेमोरी की वेस्टेज नहीं होती। सिमिलरली अगर मुझे कोई आर्टिकल या स्टोरी लिखनी है, तो आर्टिकल और सी एल ओ बी डेटा कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप लगाते हैं। सपोज एक स्टोरी या आर्टिकल हम लिखते हैं, वो 10,000 बाइट, बाइट में क्यों लिखा, क्योंकि ये 10,000 एक बाइट मतलब एक कैरेक्टर एसक्यूएल में, ठीक है, तो वो एक 10,000, सॉरी 10,000 कैरेक्टर्स को मिला के हम एक आर्टिकल्स को फॉर्म करते हैं। अब 10,000 जब मैं कैरेक्टर बोलता हूँ ना, इसमें ए मतलब अल्फाबेट्स भी, नंबर्स भी, स्पेशल कैरेक्टर भी, इवन कि स्पेस भी काउंट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सब मिला के हम मतलब 10,000 शब्द में, 10,000 शब्द बोले सॉरी, 10,000 कैरेक्टर या बाइट में हम एक आर्टिकल को लिखे। जगह तो हमें भी 4 GB एलोकेट हुई थी, इसके लिए भी यही स्पेस एलोकेट हुई, लेकिन सपोज कीजिए ये भी 10,000 बाइट में इतना ही जगह को स्टोर किया, बाकी जो अनयूज स्पेस है वो फिर डेटाबेस को रिटर्न हो जाती है। तो लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के केस में यहाँ पे क्या होता है, कोई भी मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है, ठीक है। होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा। आपके लिए क्वेश्चन है, जाते जाते आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि कैरेक्टर डेटा टाइप और वर्चुअल डेटा टाइप की मैक्सिमम साइज क्या है कैरेक्टर को स्टोर करने की। और एक क्वेश्चन और, आप मुझे कैर लार्ज ऑब्जेक्ट और बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ 5 डिफरेंस मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर समझ में आया और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका ये फायदा हो जाए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना ख्याल रखिए। और इस लेक्चर के नोट्स के लिए आप मुझे इस मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ये नोट्स ले सकते हो, क्योंकि नोट्स मैं बना के रखा हूँ। तो हो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डेट डेटा टाइप के बारे में। तो तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।